ये रामराज की तस्वीर है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ उस पार्टी की सरकार है जो अंत्योदय की बात करती है। यहाँ गरीब को सुविधा नहीं बल्कि सरकारी श्राप मिलता है। ये कन्नौज की छिबरामऊ के शौसैया अस्पताल का नजारा है, जहाँ एक बुजुर्ग बाप अपनी जवान बीमार बेटी को गोद में उठाए हुए अस्पताल में इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। इन तस्वीरों को बार बार देखिए और बार बार देखते हुए इन तस्वीरों को जरा नेताओं के वादों को भी याद कीजिए। दरअसल एक बुजुर्ग बाप अपनी बीमार बेटी को लेकर छिबरामऊ के शौसैया अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के गेट पर स्ट्रेचर मौजूद होना चाहिए या फिर पहियों वाली कुर्सी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। बुजुर्ग बाप इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन बेटी की सांस उखड़ रही थी। जिंदगी की डोर को पकड़े रहने के लिए बुजुर्ग बाप ने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। और करता भी क्या, बाप की गोद किसी सरकारी हुक्मरान के हुक्म की गुलाम नहीं थी। हकीकत ये है कि आधुनिक संसाधनों से युक्त छिबरामऊ का शौसैया अस्पताल की व्यवस्थाएं स्वयं बीमार पड़ी हैं। हालत ये है कि यहाँ का स्टाफ, खास तौर से चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ, ना तो कभी अपने कार्यों के प्रति वफादार दिखाई देता है और ना ही मरीजों के प्रति गंभीर दिखता है। हालत ये है कि यहाँ मरीजों की सुख सुविधा के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उन्हें समय से मुहैया नहीं कराया जाता, जिससे आए दिन इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। जब द पंजौरा न्यूज ने सीएमएस से बात की तो सरकारी जवाब उनका भी तैयार था। हम इस लापरवाही को देखेंगे और नियम अनुसार कार्यवाही करेंगे। अब सोचना ये है कि ये सीएमएस कार्यवाही करेंगे या फिर सरकार इनके ऊपर कार्यवाही करेगी। द पंजौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।